हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ए टू जेड करियर सीक्रेट ट्रिक्स, जिसपे मैं आपको रोजाना एक वीडियो देता हूँ। आज मैं मैथमेटिक्स की एक ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ, जिसमें आप समांतर श्रेणियों का योग कर सकते हैं। समांतर श्रेणी में नेचुरल नंबर, एक से शुरू होने वाले सारी संख्याएँ, सम संख्याएँ जो दो चार छः से होती हैं स्टार्ट, और विषम संख्याएं, इन सब का टोटल एक ही फार्मूले से किया जा सकता है। इवन मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे 5 का पाड़ा, 3 का पाड़ा, इन सब का टोटल भी हम एक ही फार्मूले से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्पेशल ट्रिक्स, जिसमें हम समांतर श्रेणी का योग करना सिखाएंगे। और समांतर श्रेणी का योग आप चुटकियों में कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा स्पेशल ट्रिक। इस ट्रिक में जो आपको बताया जाएगा वो ट्रिक एक ही फार्मूला बेस्ड होगी, एक ही फार्मूले से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो इस फार्मूले का नाम है ये वाला, n इजिकल टू a प्लस एल बाई टू। बस n क्या है? कुल संख्याएं। a क्या है? प्रथम संख्या। और l क्या है? अंतिम संख्या। छोटा सा फार्मूला, हर जगह कामयाब होता है प्राकृतिक संख्याओं, सम संख्याओं, विषम संख्याओं के टोटल निकालने में। फार्मूला दोबारा देख लिए, एस इजकल टू एन ब्रैकेट में ए प्लस एल बाई टू, जहां एन होता है टोटल संख्या, ए पहला नंबर और एल लास्ट का नंबर होता है। और इस फार्मूले से आप कोई भी टोटल निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से, ठीक है। सबसे पहला क्या है? कुल संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे टू, इससे आपको निकल जाएगा। देखो, एक से लेके 50 तक की संख्याओं का टोटल निकालना है, तो एक से 50 तक की कुल संख्याएं कितनी होगी? 50। तो 50 वैल्यू किसकी हो जाएगी? n की हो जाएगी। 50 वैल्यू n की है, और a जो है प्रथम संख्या है यानी एक है, l जो है अंतिम संख्या है 50 है, l अंतिम संख्या 50 है। तो अब जोड़ते हैं इसको, फॉर्मूले में रखते हैं, 1275 आंसर कैसे आएगा? n 50 रखा, a 1 रखा, एल 50 रखा, ये 51 इंटू 50 बाई टू कैलकुलेट कर देंगे तो 25 गुना 51 1275 हो जाएगा, यानी इसका 1275 सही आंसर है। अब देखते हैं सम संख्याओं का टोटल भी क्या इससे निकाल सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 48 ये सम संख्याएं, एक से 50 तक कुल 50 संख्याएं होती हैं, जिसमें 25 सम होती हैं, 25 विषम होती हैं। ये तो पता ना, 1, 2, 3, -50, इसमें सम संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती हैं। विषम संख्याएं कितनी होती है? 25 होती हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 25 हो गई। a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। और l अंतिम संख्या की वैल्यू 50 हो गई। बस रख दीजिए फार्मूले में, सीधे सीधे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। n 25, a 2, l 50, बस रखो 25, 2, 50 बटे 2, कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 650। 2 से 52 26 बार कट जाएगा, और 26 गुना 25 650 आंसर आ जाएगा। एक संख्या और लेते हैं, ये विषम संख्या है। विषम संख्याएं भी इसी फार्मूले से निकल जाएंगी। विषम संख्याएं कितनी होती हैं? 150 तक 25 होती हैं। पहली संख्या है 1, अंतिम संख्या है 49। इस फार्मूले में रख दीजिए, सीधे सीधे 625 आंसर आ जाएगा। क्या करना है? एन की वैल्यू 25 रखी, ए की वैल्यू 1 क्योंकि पहली संख्या है, एल की वैल्यू 49 क्योंकि अंतिम संख्या, फॉर्मूले में रखो, कैलकुलेट कर दो, 25 बार कट गया, 25 25 625 625 आपका इस सीरीज का टोटल आ जाएगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का टोटल निकालना है, तो घबराना नहीं है। n क्या हो गया? 100, a 1, l 100 बटे 2, कैलकुलेट कर दो, 5050 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपली कैलकुलेट करके। 1 से 100 तक की संख्या में टोटल संख्याएं 100 हो गई, प्रथम संख्या 1 और अंतिम संख्या 100 ही है, कुल संख्याएं भी 100 है और अंतिम संख्या भी 100 है। बस फार्मूले में रख दो, n 100, a 1, l 100, कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करते ही 50 गुना 101 यानी कि 5050 आंसर आ जाएगा। यानी कितनी भी लगातार संख्याओं को आप टोटल कर सकते हैं। 2 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का टोटल करना है। तो अब ये 1 से 100 के बीच सम संख्याएं कितनी होंगी? 50 होंगी, 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? टोटल संख्याएं 50 हैं जो कि सम संख्याएं हैं। a की वैल्यू क्या है? 2, ये रही। l की वैल्यू क्या है? अंतिम 100, बस फॉर्मूले में रख दो,
N50 A2 L100 कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट क्या करेंगे, 25 गुना 102 यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 2550। ठीक है, इस तरह से आप ये सारी की सारी संख्याएं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का टोटल कैसे होगा, एक से लेकर 99 तक की संख्याएं हैं, कैसे टोटल करेंगे। ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 99 और टोटल संख्या 50 हो गई, फिर फॉर्मूले में रख दो एन इजकल टू ALD। सीधे सीधे आ जाएगा n की वैल्यू 50, a की वैल्यू 1, l की वैल्यू 99 और सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 50 ब्रैकेट में 1 प्लस 99 अपॉन 2 यानी 25 इंटू 100 यानी 2500। इन संख्याओं का टोटल 2500 होगा। 11 से लेकर लगातार 30 तक की संख्याओं का टोटल निकालना। देखो 11, 12, 13, डैश 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 30 लगातार संख्याएं, ये टोटल संख्याएं कितनी है, ये 20 है। ए की वैल्यू क्या है 11 है और एल की वैल्यू क्या 30 है, फॉर्मूले में रख दो एन 20 ए 11 एल 30। फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर दो 11 30 41, 41 बटे 2 गुना 20 यानी 10 कट गया, 10 गुना 41 यानी 410 आपका आंसर आ जाएगा 11 से लेकर 30 तक की संख्याओं का टोटल। अब यह 12 16 20 52, देखो इसे कैसे करेंगे, 12 16 20 52। अब हमें क्या करना है, एक तो एन चाहिए, एक ए चाहिए और एक एल चाहिए। एल तो 50 हो गया, ए 12 हो गया, कुल संख्याएं निकालनी है। अब कुल संख्याएं निकालेंगे कैसे, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, तो ये चार से, ये किससे कट रही है, चार से कट रही है, चार तिया 12, चार चौक 16, चार पंजे 20, तीन में से दो गया एक, चार में से दो गया दो, पांच में से दो गया तीन, इसे चार से डिवाइड करो 52 होगा ना, ये 52 होगा, चार से चार एकम चार, ठीक है 52 लास्ट है ना, तो चार एकम चार, चार 12 चौक 48 13 बार कटेगा, 13 में से दो गया यानी 11वीं संख्या होगी, तो टोटल 11 संख्याएं होंगी। तो एन 11 हो गया, ए 12 हो गया, एल 52 हो गया, फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर दो 11 गुना 32 352 आंसर आ गया। इस वीडियो को स्टॉप करके आप आसानी से कर सकते हैं। ये 5 के गुणज 500 तक, तो देखो 5 के गुणज 500 तक, 5 10 15 डैश 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 500 तक, तो ये तो एल हो गया आपका, ये हो गया, ये पहली संख्या है, ये दूसरी, ये तीसरी, 5 से भाग दो, 5 कम 5 5 10 7 15, तो ये कौन सी संख्या होगी 100वीं, तो n की वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी यानी n की वैल्यू 100, a की वैल्यू 5, l की वैल्यू 500, तीनों को फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला एक ही है, सम इज इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस l बाई 2। बस इस सिंपल फॉर्मूले से आप प्राकृतिक संख्याओं का टोटल, सम संख्याओं का टोटल, विषम संख्याओं का टोटल और आपके गुणकों का टोटल, प्राकृतिक संख्याओं के गुणकों का टोटल कर सकते हैं केवल एक ही फार्मूले से। फार्मूले में रखो, कैलकुलेट कर दो, आसानी से 25,250 आंसर आ जाएगा। ये 11 का मल्टीपल, 11 22 275, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 यानी 25 संख्याएं हो गई, यानी एन की वैल्यू होगी 25, ए की वैल्यू 11, एल की वैल्यू 275। बस इस तरह से आपकी ये कैलकुलेशन पूरी की पूरी हो जाएगी। कैलकुलेशन को फॉर्मूले में रख दो, s इज इक्वल टू एन ए प्लस एल बाई 2 में रख दो, n की वैल्यू 25, a की वैल्यू 11, l की वैल्यू 275, कैलकुलेट करोगे 3575 आंसर जाएगा। एक से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का टोटल करना। अब ये आप खुद करके देखिए, 1 क्या हो गया a, l क्या हो गया 20 और 1 से 20 तक की संख्या, तो n भी 20 हो गया, तो इसका 210 आंसर आना चाहिए। ये आप कैलकुलेट करके देखो, 1 से 100 तक की कैलकुलेट करके देखो 5050 आनी चाहिए, 1 से 60 तक की संख्याओं का टोटल करके देखो 1458 आना चाहिए। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं इन सबको, क्वेश्चंस को लगातार करके देखिए कि आप इन्हें कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ और कॉन्सेप्ट से आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये फॉलो का बटन जरूर दबाइएगा,
साथ साथ आप मुझे मेरी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी वीडियो को भी और पीडीएफ को भी। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय। तो ये था मेरे एक ट्रिक, समांतर श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी, चाहे वे प्राकृतिक संख्याएं हों, चाहे वे सम संख्याएं हों, चाहे विषम संख्याएं हों। चलिए अब मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। YouTube का एप्लीकेशन खोलिए, सर्च बॉक्स में डालिए A2Z करियर्स, मेरा चैनल आपको तुरंत खुला मिलेगा। इसे फॉलो जरूर करना है, इस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, A2Z करियर्स। A2Z करियर्स की स्पेलिंग देख लीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल वाला आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कम्युनिटी बॉक्स में रोजाना आपको एक क्वेश्चन भी मिलता है करंट अफेयर्स का, इसे भी जरूर अटेम्प्ट कर रख लो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, वील मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा।